अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अकमल। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कैच एंड बैड विद कामरान अकमल। और हम अपना आगाज तो करेंगे जो हमारे साथ गेस्ट है, लेकिन सबसे पहले कराची के अवाम जो इस वक्त फंसी हुई है, बारिशों का सीजन तो चल रहा है लेकिन जो कल से तबाही आई है, अल्लाह उस तबाही से हमारी कराची की अवाम को हिफ्ज ईमान में रखें। जो मुश्किल में है वो मुश्किल उनकी कम हो, और रहमत है बारिश, लेकिन जैसे पानी आया हुआ पूरे कराची में कोई हिस्सा नहीं बचा हुआ। अल्लाह सबको हिफ्ज ईमान में रखे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ स्पिनर पाकिस्तान टीम के, लीड करते रहे स्पिन बॉलिंग को, और ऐसी ऐसी टीम को उन्होंने बॉलिंग करके दिखाई है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। इंग्लैंड जैसी टीम को, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, न्यूजीलैंड जैसी टीम को, श्रीलंकन टीम को उन्होंने अपनी बॉलिंग से आप वन साइड कर दिया। मैच जितवाए हैं, टेस्ट मैच जितवाए हैं, नंबर वन लेके गए हैं पाकिस्तान टीम को। हमारे साथ बेस्ट स्पिनर जो लीड करते रहे हैं स्पिन बॉलिंग को, सईद अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया। वालेकुम सलाम कामिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में। T20 हो रही हो तो आपका नाम ना हो कैसे हो सकता है? मास्टर बॉलर्स माशाल्लाह T20, और अभी कुछ देर बाद जो T20 मैचेस होने वाला, आपके लिहाज से क्या साइड होनी चाहिए? हैदर अली फखर जमान बाबर के साथ ओपनिंग स्टार्ट करनी चाहिए? और इंग्लैंड टीम का एक सेटबैक भी आया जो जेसन रॉय सीरीज से बाहर हो गए, साइड स्टेन हो गया उसको उसकी वजह से, ये भी आज पाकिस्तान को क्या ऐसी चीज करनी चाहिए जो कॉन्फिडेंस वापिस आए? और जीतना बड़ा जरूरी है सईद, आप देख रहे होंगे 4-5 साल से हम लोग जीते नहीं है कोई अच्छी टीम से। जब तक जीतेंगे नहीं, स्टार बनेंगे कैसे, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मैच विनिंग परफॉर्मेंस कैसे आएगी? कि जो हम लोग करते रहे हैं, आप लोग करते रहे हैं, माशाल्लाह मिसबा जैसे जितवाता रहा टेस्ट मैचेस, यूनुस भाई तो खैर अभी आए हैं, क्या ऐसी चीज करनी चाहिए? क्या हम लोगों को ऐसा करें कि उनके पास बटलर भी नहीं है, बेन स्टोक भी नहीं है, उन्होंने मेन प्लेयर्स नहीं खिलाए अपने T20 में? देखें, उनके मेन नाम ही हो ना तो उनके जो आने वाले अगले ना वो भी मेन ही है। बेस्टो इसमें वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, कीपर अगर उसकी बात की जाए, वो कीपर और बैट्समैन आपको पता कैसा है, आउटस्टैंडिंग। मैं कहता हूँ अगर इंग्लैंड टीम टेस्ट मैच में अगर बेस्टो नहीं है ना, कंप्लीट नहीं होती उनकी बैटिंग लाइन, और मोइन अली ना हो तो। मोइन अली अब देख रहे हैं उनके सारे प्लेयर इन हो गया T20 में, और उनकी T20 की टीम हल्की नहीं है, उनके होम ग्राउंड में हमारे मैचेस हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मेरे ख्याल में, मैंने इस PSL में आपके साथ हैदर अली खेले हैं, मेरे ख्याल में वो बच्चा बड़ा टैलेंटेड है। मुझे उसमें करंट नज़र आया कि वो आगे आने वाले वक्तों में ओपनिंग के हवाले से T20 में स्पेशली अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है उसमें करंट है। और उसके बाद फखर जमान साहब हैं आपके साथ, और बाबर आजम है। फखर जमान साहब क्या मतलब? मेरे जितना ही है ना, मैं साहब ही हूँ। अच्छा तो बाबर आजम पाकिस्तान का उभरता स्टार है, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लीड कर रहा है माशाल्लाह, नंबर वन टी ट्वेंटी प्लेयर भी है और टॉप 5 में है ऑल फॉर्मेट में, बड़ी अच्छी बात है। और मुझे आने वाले वक्तों में लग रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए लंबा परफॉर्म करेगा, एज भी उसकी कम है, यंग है, और अल्लाह करे वो अच्छा परफॉर्म करें एज ए कैप्टन भी और एज ए बेल और प्लेयर, तो एज ए वो पिछले काफ़ी अरसे से परफॉर्म ही कर रहा है, बट ये है कि अल्लाह इसको कंसिस्टेंट रखे। साथ हमारे माशाल्लाह प्रोफेसर साहब हैं, और जी हफीज डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी टीम के पास है, जैसे लाइक मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक, इसका फायदा T20 में माशाल्लाह हमेशा पाकिस्तान टीम को हुआ है। परफॉर्मर भी बहुत बड़े हैं पाकिस्तान टीम के लिए, कुछ यंगस्टर्स भी जैसे हैदर अली का आपने नाम लिया, इफ्तिखार है अभी स्टार्ट किया उसने, शदाब है और शेन शाफरीदी है। किस यंगस्टर का आप नाम ले रहे हैं? इफ्तिखार है, शेन शाफरीदी है और हैदर अली है। जी हैदर अली माशाल्लाह यंगस्टर है, मैंने इफ्तिखार तो मेरे बड़े भाई से खेलता रहा भाई। वो ये अभी टीम में नया ही है सही साहब, आपके ना वो एक होता है ना मजाक और हंसी मजाक, वो तो आप सारी जिंदगी करते रहेंगे। नहीं नहीं टीम में मैं ये तो मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, टीम में बिल्कुल नए हैं, मैं कैसे कह रहा हूँ नहीं है, टीम में नए हैं, मगर खेल तो मेरा ख्याल है
1974 से फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। सही, लेकिन ये कि अच्छा एक देखिए पाकिस्तान टीम एक बैलेंस साइड लग रही है, शेन शाह, आमिर वहाब, ये पेसर आप समझते हैं ये तीन होने चाहिए। पहले दो T20 में सईद अजमल साहब, मेरा एक्सपीरियंस है, आप अपनी बेस्ट टीम उतारे, उसके बाद अल्लाह ना करे हम ना जीते तो फिर चेंज करने चाहिए तीसरे T20 में, जीते या हारे तो एक्सपीरियंस भी मिलेगा नए प्लेयरों को। लेकिन ये है कि पहले मैच से मैं नहीं समझता कि कोई एक्सपेरिमेंट करें उसको अप्लाई करने के लिए, उसको खिलाने के लिए अपना कॉम्बिनेशन ना बना सके शदाब। और आप मुझे बताओ कि अभी एक और डिबेट बड़ी चल रही है, बाबर ने भी कहा कि मुश्किल है कि विकेट कीपर किसको खिलाएं, मेरे आपके लिहाज से मोहम्मद रिजवान को खेलना चाहिए या सरफराज को खेलना चाहिए? रिजवान देखो यही मैं कहता हूं कि अगर आपने ऐसी परफॉर्मेंस पे अगर खिलाना तो कि उनकी फॉर्म है कैरी ऑन करें ऐसे, तो फिर मिसबा को सारी जिंदगी T20 खेलना चाहिए जितनी अच्छी फॉर्म थी, यूनुस खान को नहीं छोड़नी चाहिए तो उनको भी खिलाते रहते कि टेस्ट मैच में 10,000 स्कोर करके T20 में भी, लैंगर या स्लेटर उनको भी खिला देना चाहिए था वनडे और T20। लेकिन ऐसी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान में ही है जिसका हक बनता है, जो बेस्ट है टीम के लिए उसको खिलाना चाहिए। और इंग्लैंड टीम आप क्या कहते हो, आप क्या बोल रहे थे, कैरी ऑन प्लीज। सही, नहीं मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान को वाकई बेस्ट होना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा कि शायद आज शोएब मलिक साहब को खिलाएं वो, मगर खिलाना जरूर चाहिए। और उसके अलावा हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग है वहाँ हारिस रऊफ है, अब आप मुझे ये बताएं हारिस रऊफ खिलाएंगे कि वहाब को खिलाएंगे, हम चार फास्ट बॉलर तो खिला नहीं सकते, हमारे पास शदाब खान, नसीम शाह भी है, नसीम शाह भी है, मेरे नसीम शाह को मुझे नहीं लग रहा कि वो खिलाए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इन तीनों को फास्ट बॉलर्स को खिलाएं, वहाब है, आमेरा और शेन शाह दे दिए, इनका बनता है जो आपकी बेस्ट टीम हो फास्ट बॉलर। शनवारी तो नहीं है टीम में? नहीं नहीं ये देखें ना, आमर तो एक्सपीरियंस है, वहाब भी एक्सपीरियंस है, अब आपकी 300 से प्लस ऑलमोस्ट 300 T20 की विकेटें हैं, वहाब खेलना चाहिए, शाहीन शाह तो, और उसके बाद आमिर, तीनों लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट आर्म है, राइट आर्म फास्ट बॉलर, आप नसीम शाह आपके साथ हैं, बट ये है कि हमारे पास लेफ्ट हो या राइट हो हमें तो आपकी बॉलिंग पूरी करनी है, उसे शदाब खान है साथ, शोएब मलिक साहब, हफीज साहब हैं कुछ ना कुछ, और अगर वो उसके बाद इफ्तिखार साहब हैं वो भी एक आध दो ओवर कर सकते हैं। हमारे पास T20 की मेरे ख्याल में अगर देखा जाए ना तो वन ऑफ द बेस्ट टीम है हमारी, किसी को भी रखें किसी को भी निकाल सकते हैं, मगर बैटिंग लाइन हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यंग भी हैं ये भी, और ये भी जैसे जैसे उनकी टेस्ट टीम में बैटिंग कोई स्टेबल नहीं लग रही थी, जेसन रॉय के साथ जाने के बाद उनके वो दो प्लेयर्स वो वैसे नहीं खिला रहे T20 में, बटलर और बेन स्टोक्स को, तो ये भी नुकसान हुआ है इंग्लैंड टीम को। लेकिन अभी भी उनकी मैं देख रहा था टीम, जोनी बेस्टो, डेविड मिलान है, बेंटन है, सैम बिलिंग है, इन मॉर्गन है, बड़ा डेंजरस, आपको पता है कि लास्ट जो T20 हुआ इन मॉर्गन ने जितवाया था, तो अच्छी साइड है उनके पास, मोइन अली है वो भी बड़ा अच्छा खेलता है और बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है। क्या आप इंग्लैंड टीम को समझते हैं कि टफ टाइम देगी या पाकिस्तान टफ टाइम दे सकता है इंग्लैंड टीम को, जीत सकता है? देखें ये T20 फॉर्मेट है, इसमें सिर्फ एक दो प्लेयर अच्छे खेल जाएं तो वो, और एक दो ओवर ही लगते हैं बैटिंग में, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, इसमें सेंसिबल होकर नहीं, इसमें पावर हिटिंग के साथ खेला जाता है और ये अग्रेसिव मूड में खेला जाता है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम का ये आज का मुकाबला काफ़ी अच्छा होगा, वो टेस्ट मैच की तरह नहीं होगा, पाकिस्तान बिल्कुल नीचे लगी हुई थी टेस्ट मैच में, बट ये अगर T20 का थोड़ा डिफरेंट रोल है और पाकिस्तान की टीम को मैं आज के मैच के लिए बेस्ट करार देता हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही साहब।